प्रखंड विकास पदाधिकारी फणीश्वर रजवार के कार्यशैली के खिलाफ तोपचाची प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समीप अनिश्चितकालीन धरना जारी किया। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी फणीश्वर रजवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भड़ास निकाली। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि तोपचाची प्रखंड विकास पदाधिकारी जब से तोपचाची में पदभार ग्रहण किए हैं वो अपनी अफसरशाही रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अब तक मुखियाओं के साथ एक बार भी बैठक करना मुनासिब नहीं समझा। पावापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे ने कहा कि अब आवास के जारी सूची योग्य लाभुकों का चयन नहीं हुआ है। ग्राम सभा से पारित लिस्ट के अनुसार लाभुकों का अबुआ आवास के लिए चयन नहीं किया गया है। आवास विहीन व्यक्ति के अलावा पक्के मकान वाले लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। तांत्री पंचायत के मुखिया द्वारिका प्रसाद महतो ने कहा कि गरीब जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। जन कल्याणकारी योजनाओं में काफी गड़बड़ियां होती हैं। जनता हमें चुनकर मुखिया बनाई है, हमारा मालिक जनता ही है न कि अफसर। प्रखंड कार्यालय के ऑपरेटर भी मनमानी तरीके से कार्य करते हैं। प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण प्रखंड का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है। कोरकोट्टा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कपिल सिंह ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जल्द से जल्द अबुआ आवास योजना से जुड़ी समस्याओं का अगर 24 घंटे के अंदर समाधान नहीं करते हैं तो इसी धरना स्थल में आत्मदाह कर लूंगा। अनिश्चितकालीन धरना को समर्थन देने पहुंचे जीप उपाध्यक्ष सरिता देवी ने कहा कि सरकार के जारी गाइडलाइंस के अनुसार योग्य लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सुभाष श्रवानी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पर जमकर प्रहार करते हुए कहा, प्रखंड विकास पदाधिकारी अपना प्रोटोकॉल खो चुके हैं। किसी पार्टी के इशारे से काम किया जा रहा है, अधिकारी अपने दायित्व को निभा नहीं पा रहे हैं। माना पाठक ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कार्यालय में मुखिया संघ द्वारा आयोजित अनिश्चितकालीन धरना में जल जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब जनता तक नहीं पहुंच पा रही और अभी वर्तमान में झारखंड सरकार के द्वारा अबुआ आवास एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने घोषणा किए थे कि अब गांव में गरीबों को असहाय परिवारों को आवास विहीन लोगों को आवास मिलेगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुखिया द्वारा पंचायत में ग्राम सभा द्वारा करके प्रखंड मुख्यालय को भेजा गया, परंतु उसका नाम नहीं जोड़ करके जो अयोग्य व्यक्ति है उसका नाम जोड़ा गया है। इसी निमित्त आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय में एक अनिश्चितकालीन धरना आयोजन किया। अगर मांगे पूर्ण नहीं होते तो आगे की क्या होगी? आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना से नहीं उठेंगे जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। बात आ रही है आत्मदाह भी किया जाएगा अगर मांगे पूर्ण नहीं होते, इसका अभी हम लोग आगे सोचेंगे इस पर, परंतु अभी आज हम लोग पहला दिन है कार्यक्रम का, आगे हम लोग रणनीति बनाकर तैयारी करते हैं। पूरी तरह से भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि उनके द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया, ये बहुत ही शर्मनाक का विषय है। अपने हक को जनता के हक को दिलाने के लिए धरना देना पड़ रहा है। एक प्रतिनिधि जीतता है, जनता उनको वोट के द्वारा जिताता है और वो अपने काम को निष्पक्ष रूप से नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इसमें हम पूरी तरह से सहयोगी वर्तमान सरकार को देना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार के इशारे पे यहाँ के जो वीडियो, यहाँ के जो सीओ, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके इशारे पे काम किया जा रहा है। हम लोग यदि इस तरह का रवैया रहा तो पूरे झारखंड में जितने भी प्रतिनिधि हैं, पंचायत के प्रतिनिधि, उग्र होकर सरकार के विरोध में हम लोग आंदोलन करेंगे और वर्तमान में ये चुनाव में सरकार को बताएंगे कि आपके इस तरह का जो रवैया है आपको उखाड़ फेंकने का भी काम हम लोग करेंगे। आपका परिचय? जिला सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी, आईसी पार्टी केंद्रीय सचिव।